हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष साहू जॉब अपडेट को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, वर्तमान मु आपनको एमती एक नियुक्ति विषय में वर्तमान कहबी। ए नियुक्ति बाहर जी ए पर्यंत केही जानी नाथी। जदि आपण माने ए नियुक्ति पई आवेदन करूचंती ताले आपण मानकर जॉब निश्चिंत हबो जदि आपण मानक पाखरे एही सब क्वालिफिकेशन थिबो। फ्रेंड्स, एही जो नियुक्ति आपणकर देखि दियंतु सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपणकर CWC तरफ रु वर्तमान आपणकर आसीची जहां आपणकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स, एथरे आपण मानकर मंथली सैलरी जो रहिबो आपण मानकर 64,380 टंका पर मंथ आपणकर सैलरी रहिबो। एथरे आपणकर जो सर्वमोट पदवी वर्तमान रहिची आपणकर 153 पदवी रे वर्तमान आपण मानक पई वैकेंसी आसीची। आथे या धीरे आपणकर एज, सिलेबस, आपणकर क्वालिफिकेशन, इंपोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फी सब कौन कौन रहिबो मु डिटेल्स वर्तमान एही वीडियो रे आलोचना करबी। संपूर्ण PDF वर्तमान ऑफिशियल तरफ जहाँ आसी भी मुझे आपको देखेबी। फ्रेंड्स, जदि भिडटी आपको भल लगे वीडियो को गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पाखे ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिए। मुझे प्रतिदिन समस्त प्रकार गवर्नमेंट जॉब रो वीडियो मो चैनल अपलोड करुच्ची जार नोटिफिकेशन आपण मैंने सर्वप्रथमें पाई। चलते फ्रेंड्स, वर्तमान वीडियो को स्टार्ट करवा। आपणकर सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तरफ जो PDF टी आसी से PDF को आम ओपन कर डिटेल्स जाना। ता पूर्व किसी मेन इंपोर्टा पॉइंट रही जहाँ मुझे सहित प्रथम डिस्कसन कर दौरान मुझको PDF टी देखेदेवी। से PDF को मुझे मो वीडियो डिस्क्रिप्शन मेंदेवी आपको से डाउनलोड करदे। चलते फ्रेंड्स, वर्तमान आम डिटेल्स जाना। सांग माने ए ऑफिशियल PDF टी को आपण माने देखि दियंतु जहाँ आपणकर सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन तरफ वर्तमान आपणकर रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। ए PDF टी आपणक सहित मुझ आग डिस्कसन करदेवी। ता पूर्व किसी मेन मेन पॉइंट आपको जन दूसरी आपको PDF टी आउ थे देखेदेवी। देखो आपको जो PDF टी वर्तमान देखी तार किसी इंपोर्टेंट पॉइंट मुझे वर्तमान रखी आपको वर्तमान जन दे देखी दिखाँ कौ डिपार्टमेंट तरफ रिक्रुटमेंट आपंकर रही। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तरफ वर्तमान आपंकर रिक्रुटमेंट रही CWC आपंकर पोस्ट नेम ये आपंकर असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंटेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, बाकी अन्यान्य पोस्टर वर्तमान यादव वैकेंसी रही जहाँ मुझे आपको ये देखेदेवी। आपंकर आर्टिकल टाइप आपंकर गवर्नमेंट जॉब रही है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया बेसिस आपंकर जॉब रही है। ओडिशा रे बहुत जगार आदि आपंकर इंटरव्यू प्लेस रखा जाइए। आपंकर जॉइनिंग रही है आपंकर वेयरहाउसिंग आम ओडिशा वर्तमान रही। आपड़ी निजुक्ति पाते आपड़ा निजुक्ति पाइबे। फ्रेंड्स, जदि आपखे यही सब क्वालिफिकेशन थी आपने आवेदन करूँ देखि दिखाँ टोटाल वैकेंसी आपंकर रही 153 पदवी आपई वैकेंसी रही। आपंकर जो मंथली सैलरी आपने पाइबे मुझे आपंकर 40,000 रु 40,000 भितर आपंकर सैलरी रही है। जीक मुझको सैलरी कही से आपंकर सैलरी आपठी पाइबे। देखि दिंतु आपंकर अप्लाई लास्ट डेट मुझे आपंकर जो अप्लाई लास्ट डेट वर्तमान रखा जा शेष तारीख 24/9/2023 पर्यंत आपको आवेदन करेंगे ऑनलाइन माध्यम रे। अप्लाई मोड ये आपंकर ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करेंगे। ये आपड़ देखि दिंतु ऑफिशियल वेबसाइट आप सामने वर्तमान रही। यही ऑफिशियल वेबसाइट रे आपने लॉगिन करी PDF को डाउनलोड करेंगे, अप्लाई करेंगे। तापर देखि दिंतु आपंकर रही वैकेंसी डिटेल्स। ये आपंकर जो वैकेंसी डिटेल्स वर्तमान रही आपको वर्तमान जनईदेवी। आपड़ देखि दिंतु आपंकर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल रही 18 वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आपंकर रही 5 वैकेंसी, अकाउंटेंट आपंकर रही 24 वैकेंसी। तापर आपंकर रही सुपरिटेंडेंट आपंकर जनरल रही 11 वैकेंसी, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आपंकर 81 वैकेंसी वर्तमान रही, सुपरिटेंडेंट जनरल आपंकर SRD वर्तमान रही 2 वैकेंसी। तापर एटी आपंकर रही कौन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD आपंकर रही 10 वैकेंसी, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD आपंकर UT वर्तमान रही आपंकर 2 वैकेंसी। टोटल आपंकर एटी वर्तमान देखि दिंतु 153 वैकेंसी वर्तमान आपंकर रही जहाँ आपण मैंने आवेदन करेंगे। ऑल ओवर ओडिशार सब पिला आधे आवेदन करेंगे उभय पुरुष और महिला जहाँ पाखे यही सब क्वालिफिकेशन थी। देखि दिंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपर कौन कौन मागी जदि आपने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल आवेदन करने चाहते आपरे डिग्री सर्टिफिकेट थी निहाती दरकार। सिविल इंजीनियरिंग आपने डिग्री कर आवश्यक। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जी आवेदन करने चाहते से आपंकर डिग्री सर्टिफिकेट थी दरकार। आपंकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिग्री सर्टिफिकेट थी दरकार। जदि आपने अकाउंटेंट पदवी में आवेदन करने चाहते आपर BCom BA सर्टिफिकेट इन कमर्स से आपंकर सर्टिफिकेट
थी आपण मैंने आवेदन करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट करते आवेदन करेंगे यही सब सर्टिफिकेट जब आपर थी आवेदन करेंगे तादेह आपर एक्सपीरियंस भी मागी से आपंकर देखी दिखाँ सुपरिटेंडेंट जनरल आपर जो रही पोस्ट से आपर पोस्ट ग्राजुएट डिग्री जब आपने एनी डिसिप्लीन तेल आपर आवेदन करेंगे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट देखी दिखाँ आपर डिग्री सर्टिफिकेट थी निहाती आवश्यक कौथेर एग्रीकल्चरल जदि आपने डिग्री सर्टिफिकेट थी आपर आवेदन करेंगे और देखी दिखाँ आपर जदि डिग्री सर्टिफिकेट थी आपर जुलोजी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री आदि गोटे भी सब्जेक्ट आपड़े आपर आवेदन करेंगे सुपरिटेंडेंट वर्तमान सेम रही क्वालिफिकेशन आपने देखी दिखाँ सेमती आपर रही जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसआरडी आपर सेम क्वालिफिकेशन रही आपने देखी दिखाँ लास्ट पोस्ट आपड़े देखी दिखाँ आपर लास्ट पोस्ट भी आपर सेम क्वालिफिकेशन रही आपको भल भाव में देखी दिखाँ तापर चलते देखा आपर पोस्ट नेम आ सिलेक्शन प्रोसीजर आपर कमी रेन्स ये आपने देखी दिखाँ आपर रही पोस्ट नेम आपर सिलेक्शन प्रोसीजर बर्तमान कौन रही पोस्ट सब फ्रेंड्स मुझक जो जो पोस्ट कहली आपर पोस्ट वन पोस्ट टू पोस्ट थ्री एंड पोस्ट फोर यही जो चारिटा पोस्ट आपर कौन रहा सिलेक्शन प्रोसीजर आपर प्रथम ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट हम तापर आपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहा आपर इंटरव्यू रमती आपर पोस्ट फाइव पांच नंबर पोस्ट आपर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट आपर प्रथम रिटर्न टेस्ट रहा आपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहा आपर किसी देवाक पड़े ना जदि आपने सुपरिटेंडेंट ऑफ जनरल आवेदन करने चाहते तेल से आपर ऑनलाइन टेस्ट बर्तमान रहा आपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपर इंटरव्यू रमती आपर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जब आप आवेदन करने चाहते तेल आपर ए दुटार सेम ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट देते आपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहा देखी दिखाँ एथेर आपर रही इंपोर्टेंट डेट फ्रेंड्स आदि आपर जो इंपोर्टेंट डेट रही आवेदन स्टार्ट आपर देखी दिखाँ 26/8/2023 ठार आवेदन स्टार्ट हो सारे जार लास्ट डेट आपर 24/9/2023 पर्यंत अच्छी एग्जाम आपर बहुत शीघ्र हम आसे आम आपको अपडेट करदेबू फ्रेंड्स आप्लिकेशन फी आपको कहीदेवी तापूर्व देखी दिखाँ एज लिमिट आपर रही 18-28 वर्ष जदि आपने जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पदवी आवेदन करते आपर मैक्सिमम अच्छी आपर 28 वर्ष तापर आप रिलैक्सेशन पाइबे बाकी आउ सब पोस्ट में आपर 30 वर्ष पर्यंत आपर आवेदन करेंगे एवं आपको कहीदे आप्लिकेसन फी फ्रेंड्स जदि आपने यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगोरी होती है आपर 1250 टकर आप्लिकेसन फी लगे जदि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वुमेन कैटेगोरी होती है आपने 400 टकर आप्लिकेसन फी देते आपर ऑनलाइन मोड में आवेदन फी पेमेंट करेंगे एवं चलते तो डायरेक्ट मुझे आपको ऑफिशियल पीडीएफ को नहीं जाऊँगी से ही पीडीएफ रे बाकी डिटेल्स मुझे आपको जनईदेवी सांग मैंने पीडीएफ टी आउ थे आपने देखी दिखाँ जहाँ आपर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इंडिया तरफ बर्तमान आसी आपको देखेदे आपर एग्जामिनेशन पैटर्न आपर कौन कौन रहा 9 नंबर पेज को बर्तमान नहीं कि देखेदे आपर सबकि डिटेल्स कही बर्तमान सबकि रही आप चलां बर्तमान देखेदे आपर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपर कोर्स ऑफ स्टडी कौन कौन बर्तमान रही आपको देखेदे 9 नंबर पेज को आपने जी ये आपने देखी दिखाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपर पैटर्न सब कौन कौन रोक कौ सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन सब आस डिटेल्स बर्तमान लिखा जाए भल भाव में देखी दिखाँ एवं चलां 25 नंबर पेज को लेकिन मुझे देखेदे आम ओडापी बर्तमान कौ कौ जगह एग्जामिनेशन सेंटर आपर र सांग मैंने ये देखी दिखाँ आपर रही एग्जामिनेशन सेंटर आपर ओडिशार आमर कौ कौ जगार आपर एग्जामिनेशन सेंटर रोशार निजुक्ति पाइबे देखी दिखाँ ओडिशार एग्जामिनेशन सेंटर मुझे बर्तमान आपको देखेदे आपठी देखिपे 28 नंबर रही आपर ओडिशा बालेश्वर आपर एग्जामिनेशन सेंटर ब्रह्मपुर कटक संबलपुर भुवनेश्वर राउरकेला सब जगह आपने एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर एग्जामे ओडिशार आपर निजुक्ति फ्रेंड्स समस्त इनफर्मेशन मुझे तो आपको जनईदेगी फ्रेंड्स जब भिडियोटी आपको भल लगी भिडियो को गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो निश्चिंत करेंगे धन्यवाद जय जगन्नाथ।